सो कल ही एक उबलता हुआ खबर आया है विच सेज ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिनका कोड इज HSN8471 है, जिसमें सारे लैपटॉप्स, ऑल इन वन पीसी, टैब्स, इन सबका इंपोर्ट को अब बैन कर दिया गया है इंडिया में। इट मींस अब लैपटॉप मैन्युफैक्चरर जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं है, वो सारे चाइना से इंपोर्ट होते थे अब तक एंड फिर यहाँ आकर के सेल होते थे, लेकिन अब 3 अगस्त के बाद से वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको यहाँ लैपटॉप्स लाने के लिए सरकार से लाइसेंस या परमिशन चाहिए होगा, अगर लाइसेंस नहीं है तो लैपटॉप नहीं ला सकते। इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी दिए गए हैं, लाइक पूरा लैपटॉप्स नहीं मंगाया जा सकता, बट उसके लिए रॉ मटेरियल्स जो भी लगते हैं उन सबको मंगाया जा सकता है एंड यहाँ पर असेंबल किया जा सकता है, लाइक अपना रिलायंस का जियो लैपटॉप्स। पॉइंट नंबर 2, अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो सिर्फ एक ही लैपटॉप को ला सकते हैं, वो भी जिसमें आप काम कर रहे हो। पॉइंट नंबर 3, वो लैपटॉप्स और आइटम्स जिनको इंडिया से रिपेयर के लिए भेजा गया था एंड वो अगर वापस आ रहे हैं तो उनके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, कंपनीज कैन ब्रिंग लैपटॉप्स फॉर देयर रिसर्च एंड R&D पर्पस एक्सेट्रा, बट वो भी सिर्फ 20 आइटम्स तक ही अलाउड है, उससे ज्यादा के लिए आपको फिर से लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। इन सबका मेन रीजन है चाइना एंड कोरिया से इंपोर्ट को बैन करना, मे बी सम सिक्योरिटी रीजंस, लाइक पता नहीं कौन कौन इंपोर्ट करवा रहा है, उनका इंफॉर्मेशन सरकार के पास में कंप्लीट नहीं है। इन लाइसेंस के बाद में उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन सरकार के पास मिल जाएगा एंड उनके कंट्रोल में सब कुछ आ जाएगा। दूसरी बात, इंडिया में मेक इन इंडिया को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, ताकि लैपटॉप्स का प्राइस एंड डिमांड दोनों को कवर किया जा सके फॉर इंडियंस। बट फिलहाल के लिए शायद जब तक कंपनीज लाइक डेल, HP, उनका यहाँ कुछ डेवलपमेंट सेंटर नहीं बन जाता, तब तक के लिए मे बी आइटम्स का प्राइस थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एंड बाहर की कंपनीज हमें उनका आइटम्स महंगे दामों में बेच करके मुनाफा अपने यहाँ ले जा रही है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो आई गेस ये स्टेप में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम सबके लिए ये काफी लाभदायक स्टेप हो सकता है। सो अगर आप अपना लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो फटाफट लैपटॉप ले लो, क्योंकि बहुत जल्द इसका प्राइस बढ़ सकता है। फिर दोबारा इस तरह का सेल जल्द ही आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है फिलहाल। आपका कुछ और कमेंट है तो जरूर हमें बताएं, हम कमेंट सेक्शन में उस पर डिस्कस कर सकते हैं।